शुक्रवार को महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखा और शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे मन्नत मांगी, जिसके संबंध में आचार्य राधेश्याम त्रिपाठी ने बताया कि इस हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को महिलाएं भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे पतियों की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती जी ने भी यही व्रत रखा था और लड़कियां यह व्रत मनचाहा पति पाने के लिए भी करती हैं। इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और जो इस व्रत को नियम और विधि विधान से करता है तो उसको 7 जन्मों का फल प्राप्त होता है और घर में सुख शांति प्राप्त होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाओं एवं आचार्य राधेश्याम त्रिपाठी ने कहा, पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था और यह आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ये तो पार्वती की ही गलती थी, लेकिन शिव जी से सुनना चाहते हैं। जैसे सब लोग कथा जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण से मुख से सुन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उस तरह से शिव जी से पार्वती जी सुनना चाहते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, उसके आस पास तरह तरह की भूमियाँ विचरते हैं। इतना सुंदर है, रमणीय स्थान है कि तमाम तरह के पशु पक्षी वहाँ चलते हैं। पर्वत पर देवता सिद्ध जानवर गंधर्व के महीने में जल में खड़े होकर के उसने देख करके हिमालय राज्य परेशान जमाई पुत्री कहाँ चली गई। इतना घोर जंगल है, सिंह है, बाघ है, भालू करुणा त्रिपाठी। यह हरतालिका व्रत है, यह सौभाग्य परिवार के संपन्न के लिए ये रखा जाता है। पहले इसको माँ पार्वती की थी, वही चीज़ उन्हीं को उनके करने के बाद हम लोग पूरे सौभाग्य के लिए हम लोग भी इस व्रत को रखते हैं। माँ पार्वती की ही देन है कि हम लोग को भी मृत्यु जन लोक में इस व्रत को हम लोग करते हैं। और यही कामना रहती है कि हमेशा व्रत करने के लिए सौभाग्य मिले और हम लोग करें इसको हंसी खुशी पूर्वक। खासकर किसके लिए व्रत आप लोग रहते हैं? यह पति के लिए व्रत है खासकर, इसका नाम है हरतालिका व्रत। निराजल व्रत रह के किया जाता है, 24 घंटे बिना अन्न जल के रह के हम लोग करते हैं इस व्रत को। माँ पार्वती पहले की थी शिव के लिए, वही अब लोग मृत्यु लोक में हम लोग करते हैं अपने पति के लिए। यही कामना रहता कि हम लोग आजीवन यही व्रत हम लोग को हमेशा मिले, हम लोग इसको करते रहें। हमारा नाम चंद्रावती पांडे, आज हरतालिका व्रत है। हम लोग बनाते हैं अपने पति के कुशलता के लिए, परिवार कुशल रहे, भोलेनाथ का पूजा करते हैं क्योंकि माँ पार्वती करी थी, इसलिए सब लोग करते हैं। इसमें किस तरह से व्रत रहते हैं आप? हम लोग व्रत रहते हैं, सुबह भोर में उठते हैं तो पानी वानी भी पीते हैं, मीठा उठा खा के दही वही थोड़ा खाते हैं 3 बजे के टाइम में। उसके बाद व्रत रहते हैं, सुबह पूजा करते हैं हर चीज से। 24 घंटे तक क्या कुछ ग्रहण करते हैं आप? नहीं कुछ नहीं, कल सुबह। शकुंतला तिवारी। कैसे मनाते हैं? ये तीज व्रत है, हरितालिका तीज है, यह शंकर जी का व्रत है। इस माता पार्वती जो है पति रूप में पाने के लिए शंकर जी की पूजा की थी, आराधना की थी,
उसी के उपलक्ष्य में व्रत रखा जाता है, जिससे वो पति रूप में मिली तो वैसे ही सबको जो है मिले। किस तरह से व्रत रहते हैं आप लोग? हम लोग सुबह जो है भोर में पानी पिया जाता है, जो कुछ भी जिसकी इच्छा होती है वो चाय पानी पीता है। उसके बाद पूरा दिन 24 घंटे निराजल रहते हैं, उसके बाद अपना पारण करते हैं और तो बस यही सब किया जाता है। क्या विशेष महत्व है इस पूजा का? महत्व तो है कि शंकर जी को खुश करें, और जैसे माता पार्वती को अचल सौभाग्य मिला वैसे सबको ही अचल सौभाग्य मिले, यही सबकी कामना रहती है और यही सबकी इच्छा होती है। सरिता मिश्रा, हड़तालिका तीज है, पूजा करके क्यों मनाया जाता है, क्या मानता है? तीज हड़तालिका तीज का व्रत है, व्रत आय बढ़ाने के लिए आते हैं सब। बहुत सालों से मान्यता है कि लोग मतलब इसको पूजते चले आए हैं। हाँ, सब पूजते हैं। कृष्णा मिश्रा भाई, शंकर जी की उपासना की जाती है क्योंकि उस दिन पार्वती जी शंकर जी की घोर तपस्या की थी और उनको पाने के लिए, इसीलिए स्त्रियां भी करती हैं कि पति अच्छा मिले, घर भर बढ़िया मिले। और क्या, कितने दिन से आप करते आई हैं? हम तो 45 साल से करते आ रहे हैं, 45 साल हो गए हमारी शादी के, तब से कर। विनीता दुबे, बहुत अच्छी मान्यता है, सुहाग के लिए किया जाता है, पति के लिए किया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। माता से ये व्रत आप करती हैं? हमको भी 23 साल हो गया करते हुए। अर्चना से, हड़तालिका तीज का व्रत आप हैं? जी जी। क्या मान्यता है इसकी, क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है हड़तालिका व्रत, हमें हम लोग अपने सुहाग के लिए करते हैं। माना जाता है माता पार्वती भगवान शिव के लिए करती हैं? जी जी, पार्वती के बारे में भी बताएंगे? पार्वती जी के लिए बता रहे हैं। कितने दिन से आप ये व्रत करती आ रही हैं? ये व्रत हमको हो गया 17 साल करते हुए। राधेश्याम आचार्य, राधेश्याम त्रिपाठी, यदि आता हनुमान मंदिर गोरखपुर। ये हड़ताल का तीज सभी औरतें अपने सौभाग्य के प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं। आज व्रत रहती हैं, निराजल व्रत रह करके उपवास करके शिव की आराधना करती हैं। रात में जागरण का भी विधान है और भगवान शिव की आराधना जागरण करने के बाद दूसरे दिन अन्न रख करके, किसी पात्र में अन्न रख करके दान करती हैं और उसके बाद पारण करती हैं। इससे सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और 7 जन्मों तक उसे हमेशा सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। 1 जन्म तो छोड़ दीजिए, जो नियम से करता है 7 जन्म तक उसका फल प्राप्त होता है पूजन का। माना जाता है पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी ये व्रत होता है? जी, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और सुख शांति के लिए ये जो व्रत करती है नियम से, जो स्त्री व्रत करती है वह हमेशा हर जन्म में अपने अनुकूल पति प्राप्त करना या अपने अपनी कामना के अनुसार जो भी है सुख शांति सब कुछ प्राप्त होता है और उसको वैधव्य योग नहीं होता है अगर नियम धर्म से पूजन पाठ शिव जी का आराधना जो करती है।